बात कर लेते हैं चुनावों की, क्योंकि इस वक्त गहमा गहमी लगातार हो रही है और चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। अमित शाह कल वृंदावन और मथुरा में थे। कृष्ण की नगरी मथुरा के करीब ही है ताज नगरी आगरा, जहां की 9 सीटों पर पहले दौर में मतदान होगा। आपको बताएंगे कि आगरा में अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार क्या दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आगरा का चुनाव आखिर अहम है। देखिए, आगरा यूपी में दलितों का गढ़ है। आगरा महत्वपूर्ण इसीलिए है, इस जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी, ये सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। 2 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है यहां पर। इसके अलावा 2014 से पहले आगरा में बीएसपी मजबूत स्थिति में रही थी, लेकिन 2014 से पहले की स्थिति थी वो आगरा की, और इसीलिए आगरा महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी की निगाह इस बार आगरा पर भी टिकी हुई है। आगरा क्यों अहम है, ये हम आपको बता रहे हैं। 2014 से पहले बीएसपी का मजबूत गढ़ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये किला आगरा का ढहता चला गया। आगरा की देहात सीट से बीजेपी ने इस बार उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उतारा है। माना जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य के जरिए बीजेपी जाटव वोट को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य उसी समुदाय से आती है जिससे मायावती ताल्लुक रखती है। बेबी रानी मौर्य से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। इस वक्त मौजूद है आगरा में। आगरा ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को। बेबी जी हमारे साथ में है। मैम, आपको उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने कोशिश की है दलित वोट बैंक को साधने की, लग रहा है कुछ सफलता मिल रही है? देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, केवल दलित समाज से ही नहीं हूँ, मैं आती दलित समाज से हूँ, लेकिन पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है। और जहाँ तक बात है, जाटव समाज का वोट हमारी तरफ आ रहा है। जाटव समाज एक ऐसा समाज है जिसके लिए कहा जाता है कि वो तो मायावती के साथ इंटैक्ट है, बाकी जो कोई भी जो है दलित में भी बंटवारा हो सकता है, लेकिन जाटव मायावती के साथ में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? देखिए, काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जाटव समाज भी ये सोच रहा है, क्योंकि मैं खुद जाटव समाज से आती हूँ, उन्हें लग रहा है कि उन बहन जी ने हमारा भरोसा तोड़ा है, तो ये दूसरी बहन जी हमारे साथ आ गई है, और अगर पार्टी में इनको विधानसभा चुनाव लड़ाने भेजा है तो ये हमारी आवाज़ भी बनेंगी, और मैं सही में उनकी आवाज़ बनूंगी। इसमें मुकाबला किससे है, क्योंकि जो है सपा और आरएलडी का गठबंधन है, दूसरी तरफ बहन जी ने भी अपने उम्मीदवार मायावती ने भी उतारे हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जो है जब यहाँ पर एक घटना घटी थी तो वहाँ पर दलित समाज के जो है लोगों के घर तक भी गई थी, मुकाबला किससे है? हम वैसे तो किसी से मुकाबला अपना नहीं मान रहे, हम जीत रहे हैं, और क्योंकि वो गठबंधन है, एक तरफ कांग्रेस है बसपा का, तो धीरे धीरे वजूद ही कम होता चला जा रहा है, तो भाजपा का किसी से आगरा में तो नहीं है कि हमारा किसी से चैलेंज है। हम अपनी दम पर चुनाव जीत रहे हैं, और इसलिए जीत रहे हैं कि मोदी जी ने और योगी जी ने कोई बिना भेदभाव किए हुए सबके लिए कार्य किए। तो फिलहाल आप मुकाबला जो है, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या लग रहा है कि मुकाबला जो है किसके बीच में आपको लग रहा है, और क्या पश्चिम में हम कह सकते हैं कि हमारा लोकदल और सपा से मुकाबला है, लेकिन यहाँ हम नहीं मान रहे कि हमारा मुकाबला नहीं है। और दलित वोट भी बसपा के से जो अलग हो रहा है, आप कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है साहब, आप जाके देखिए क्षेत्र में, आपको अपने आप पता चलेगा, जो जुनून है, जो उमंग है कार्यकर्ताओं में, वो आपको बताएगी कि वो किसके साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।